हमारे पास एक बहुत खूबसूरत एक रास्ता है, उस रास्ते से वास्ता लेकर हमको अपने जीवन को बदलना है। किसी और के जीवन के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? अभी जब मैं स्टेज पे आया तो संजय राम जी ने बोला कि भैया बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी का आशीर्वाद लेना है, उनको फूल अर्जित करने हैं। तो जब मैं पिछले तकरीबन मैं 8 सालों से जागरूक आ रहा हूं, मैं जहां भी जाता हूं भगवान बिरसा मुंडा की धरती पे आपका स्वागत है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा भवन, मतलब बहुत सारी चीजें मिलती है बिरसा मुंडा जी के नाम से। या फिर है कौन, मैं नहीं जानता, कोई बताएगा ये है कौन? तालियां तो बहुत बजा रहे थे यार, ये है कौन? पता तो चले कि मैं फूल किसको डाल रहा हूं। स्वतंत्रता सेनानी, ये क्रांतिकारी नेता है, मालूम है कौन है? क्रांतिकारी। ये क्रांतिकारी आज इन्हें भगवान का दर्जा दिया है, आज लोग इनको नमन करते हैं, इनके नाम से आज पूरा झारखंड जाना जाता है। बिरसा मुंडा जी की धरती है झारखंड, सभी लोग इसका सम्मान करते हैं। किसके लिए लड़ते? परिवार के लिए? किसके लिए लड़े थे? देश के लिए लड़े थे, प्रदेश के लिए लड़े थे, इसी वजह से आज इन्हें भगवान का दर्जा दिया गया। और एक हम और आप है कि हमें देश प्रदेश के लिए नहीं लड़ना है, किसके लिए लड़ना है? सला अपना बीवी, अपना बच्चा, अपना माँ बाप, अपना भाई बहन और अपने लिए लड़ना है, और फिर भी ना लड़े तो लानत है उस इंसान की, वो पूरी की पूरी तरह बोझ है इस धरती, उसका जीना व्यर्थ है। तो भाई अगर सच में अगर आप मानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जी की ये धरती है, उन्होंने वाकई में कोई अच्छा काम किया है, तो आज आपको इसी कुर्सी पर बैठ के, खड़े होके भी नहीं बुला, सिर्फ बैठ के अपने आप से ये वादा करना है, किसी और से, क्योंकि खुशी और गम भी अंदर ही अंदर चल रहे हैं, चल रहे। तो बैठे बैठे बस अपने आप से वादा करना है कि हमारे जो भगवान है ये प्रदेश के लिए और देश के लिए लड़े थे, लेकिन आज मैं या अपने आप से वादा करती हूँ या करता हूँ कि अब जो लड़ाई मैं लड़ूंगी या लड़ूंगा वो मैं अपने परिवार की आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ूंगा। तैयार है? सभी अपने आप से वादा कर लिए? पक्का? क्योंकि भाई देखो, जब तक वादा नहीं करोगे, जब तक अपने आप से कमिटमेंट नहीं करोगे, जब तक खुद पर भरोसा नहीं करोगे, ये बिजनेस से आप वो सारी चीजें नहीं ले सकते जो ये बिजनेस आपको दे सकता है। समझा? हम बहुत सारे लोग अभी भी ना कंफ्यूजन में हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा। मैं अभी पीछे बैठा था, मैं 20 मिनट पीछे स्पीच ठाकुर जी की स्पीच को सुन रहा था, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई कि भैया शरीर में खून और जुनून होना चाहिए, तभी जाके बिजनेस और जिंदगी चलती है। सही कहा ना? लेकिन कई लोग रूम खोल रहे, कई लोग फोन में लगे हुए, कई लोगों से टॉयलेट कंट्रोल नहीं हो रहा, उठ के जा रहे हैं। यार मुझे ये चीज ही समझ आती, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले 14 सालों से ये चीजें देखता आ रहा हूं। पिछले 14 सालों से कोई भी प्रोग्राम होता है, आज ना कोई शो नहीं है, ये ट्रेनिंग है। क्या है? इसलिए मैं आपसे वैसी बातें करूंगा, नॉर्मल बातें, ठीक है? शो में क्या होता ना, ताबड़तोड़ आके दा 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 फायर किया और निकल गए। आज क्या है? ट्रेनिंग, ठीक है? हम सभी आप क्या है, यहाँ पे परिवार है, है ना? तो मैं अक्सर पिछले 14 सालों से ये चीज देखता आ रहा हूं कि कभी भी कोई भी प्रोग्राम होता है, लोगों की टॉयलेट नहीं रुकती, कंटिन्यू चलते रहते हैं, लगातार बाहर निकलेंगे, है ना, फोन देखेंगे, बात करते रहेंगे, सामने वाला क्या बोल रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हर प्रोग्राम में, चाहे वो छोटी ट्रेनिंग हो, प्रेजेंटेशन हो, कोई बड़े प्रोग्राम, बहुत पाई कि लोगों के अंदर कंट्रोल नाम की चीज है ही नहीं। उन्हें ये लगता है ये प्रोग्राम पता नहीं यार बस बुलाया है, हम तो हाजिरी देने आए। कितने लोग हैं जो हाजिरी देने आए?
मेरे को बोला था 50 पास बेचने हैं, मैं बेच दिया, बस 50 कुर्सियां मैंने भर दी, कुर्सियां नहीं भर दी, अकाउंट भर ली, समझ आया? कुर्सियां नहीं भरनी है, खुशियां भरनी है, समझ आया? खाते भरने हैं, बैंक बैलेंस भरना है, समझ आ रहा है? एक चीज मैं आज आप लोगों को बता देता हूं, और ये चीज अगर जिस इंसान ने समझ ली तो समझ जाओ उसका जीवन तर गया, समझ आए? एक चीज मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने शादियां तो बहुत देखी होगी, ये भी होगी, बहुत लोग जो शादीशुदा है, सारे जो शादीशुदा लोग बैठे हैं, सारे एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, चलो बहुत शादी में क्या होता है मालूम? जो शादी होती है ना, शादी में जो मेन हीरो होता है वो कौन होता है? दूल्हा। दूल्हे पक्ष की तरफ से दूल्हा होता और दुल्हन पक्ष की तरफ से दुल्हन, मतलब सारे के सारा केंद्र बिंदु कौन है? वही लोग। दुल्हन के घर में जाओ तो दुल्हन सारी सहेलियां आ रही है, मेहंदी सब चीजें, सब प्यार ही उसी को करती है, करते ना सारे लोग, आ रहे कितनी खूबसूरत लग रही, कितनी अच्छी लग रही है, सब उसी के एक गिर्द होता है ना बात। और दूल्हे वाली बात को देखें तो भैया उसी को नहलाना धुलाना, कभी जिंदगी में उतना प्यार मोहब्बत नहीं किया, लेकिन शादी के दिन उसका बहुत ख्याल रखते हैं, रखते नहीं रखते, क्योंकि वो सारा इवेंट किस वजह से है? उस आदमी की वजह से। अगर उसकी शादी ना होती तो शायद ये नाचना गाना बंठन कराना ये चीजें नहीं मिलती, तो वैसे एक चीज याद रखना मेरे दोस्त, ये जितने भी फंक्शंस होते हैं, चाहे वो छोटी ट्रेनिंग हो, चाहे वो बड़ी ट्रेनिंग हो, या फिर कोई प्रेजेंटेशन हो, किसी भी तरीके के इवेंट्स हो, अगर आपने इसमें अपने आप को दूल्हा या फिर दुल्हन समझा तभी आपका जीवन निकलेगा, अदरवाइज आप बराती की तरह आओगे और बराती की तरह ही निकल जाओगे। तो ये होना चाहिए सभी लोगों ने अपने अंदर ना एक अलग सा जज्बा होना चाहिए कि यार आज का दूल्हा तो मैं ही हूं, ये इवेंट भी मेरे लिए है, आज से 5 साल बाद मैं कामयाब होकर निकलूंगा या निकलूंगी तो कहूंगी यार ये प्रोग्राम ना मेरे लिए था, भाई आए तो इसमें 1500 लोग थे लेकिन जिंदगी तो एक बदलेगा, दूल्हा दुल्हन कोई इक्का दुक्का होंगे, होंगे नहीं होंगे, बाकी कौन है? बातियों को कोई नहीं पूछता, ना सोने को पूछता है और ना कोई खाने को पूछता है, कुटाई अलग से हो जाती है, कुछ करेंगे, समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो इसलिए ध्यान देना है, कोई भी प्रोग्राम हो अपने आप को जब तक ये नहीं समझो ये प्रोग्राम सिर्फ मेरी वजह से, ये प्रोग्राम सिर्फ मेरे लिए है, तब तक आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। तो कितने दूल्हा कितने दुल्हन, अभी भी शर्मा रहा है, अरे भैया ऐसे शर्माओ के मनीष, बहुत अच्छी बात हुई, तो ऊपर से भगवान देख रहा है, तथास्तु बोल देगा भाई, अगर शादी नई शादी के लिए बोलूंगा तो सब तैयार हो जाएंगे, लेकिन जो सफलता की जो शादी है उसके लिए आप सोच रहे हैं तो ये सोचने वाली बात, समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो आज के बाद कोई भी इवेंट हो तो ये सोचना है कि ये इवेंट किसकी वजह से है, ये मेरी वजह से और मेरे लिए है, ये सारी तो भीड़ है, ये सारे सब बराती है, दूल्हा दुल्हन तो मैं ही हूं, क्योंकि इस भीड़ से डायमंड बनके तो मैं निकलने वाली हूं, समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो अभी तैयार